जब हृदय में कोई उलझन रहे तब एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, लगे बहुत सी उलझने हैं, बहुत उलझन। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर लो। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो, ऐसा नहीं। धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाए, शिव जी पर जल की धार चढ़ाए, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो, जरा लाते हो ना, उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रूका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है।